अगर आप इस्लामाबाद की साइड से खानपुर आएंगे तो तकरीबन म्यूज़ियम से 1.5 किलोमीटर के फासले पे आपको ये शॉप नज़र आएगी। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। आप क्या हाल है दिलशाद भाई, जिनसे हमारी पहले भी मुलाकात हुई थी। दिलशाद भाई क्या हाल है, ठीक है? आपसे पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी ना, कल हमने बनाई थी शॉर्ट वीडियो, तो लोगों ने हमें ये कहा कि आप लॉन्ग वीडियो बनाए ताकि हमें पूरी शॉप का पता चले। तो कैसे हैं आप? हमारे पिछले विजिट से अब विजिट कोई फ़र्क आया रेट्स में या यहाँ से आप हमें गाइड करें क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं और उनके क्या रेट्स हैं? ये बारिश में भी रख सकते हैं, इसकी प्राइस की अगर बात करें तो मतलब है छोटी साइज जो है 15,000 रुपए, इससे बड़े वाली 35,000, 40,000, 75,000, मतलब रेट है इनके। अगर कोई ऑर्डर पे बनवाना चाहे साइज के मुताबिक तो वो भी आप बना दें? नहीं नहीं, किसी को बड़े साइज की जरूरत है वो छोटे साइज वो बनाते हैं, पर उनके अपने डिजाइन होते हैं। चलो ठीक है, ये कितने का है? ये सीमेंट के बने हुए हैं। अच्छा, ये 9,000 रुपए के हैं। इसका पेयर 9,000 का, ये सिंगल पीस? सिंगल पीस। ये तो फिर आपसे पार्क वगैरह वाले लेते होंगे? जी जी, वैसे भी घर के लिए लेते हैं। सही होगा। और पत्थर की मतलब चीजें हैं, पत्थर के ग्लास है। अच्छा, इसमें सेल लगता है? ये जैसे डायल बार आ जाए, सेल से चलते हैं इसमें। इसकी प्राइस की बात करें तो क्या है? ये 1800 रुपये। अच्छा, आप इस पे भी रेट का बना हुआ है? आप इस पे भी वो नहीं लगाते रेट वगैरह ताकि जो ग्राहक है उसको रेट का इजीली पता पत्थर होते हैं ना, वो अच्छा पत्थर है, कोई नॉर्मल तो मतलब प्राइस होती है, इस पे टैग लगाओ तो आसानी होती है दुकानदार को भी और ग्राहक को भी। अच्छा, फ्रेम्स की बात करें तो ये मुझे लगता है मैंने आपसे लास्ट टाइम ली भी थी। जी जी, बेहतरीन की सबने तारीफ। ये भी है पत्थर की। अच्छा, ये वॉशरूम के लिए? जी, साबुदानी बनी हुई है पत्थर की। ये मेरे ख्याल से नई चीज है, ये पहले नहीं थी। जी, ये नया आइटम आया है, इसमें मतलब कलर है ब्लैक। सही हो गया। पीछे अगर ये फ्रेम्स की बात करें, ये तलवार वगैरह, वो इसकी क्या प्राइस है? मतलब है कोई 35 हो गई है, कोई 25 हो गई है, कोई 2,000 मतलब प्राइस है। अच्छा भाई, ऊपर जो ये इनकी क्या प्राइस है, उनको क्या कहते हैं? बुक रैक है ये। अच्छा, ये किस चीज से बने हुए हैं? ये लकड़ का भी इस्तेमाल किया गया है और ये काना होता है इसको बोलते हैं ना। अच्छा, उससे भी तैयार करते हैं। इसकी क्या प्राइस है? ये 3,000 रुपए का है, सिर्फ 2,000 वाला भी छोटे साइज वाला। सही सर, बुक रैक होस्टल के लिए भी सही है ये। अच्छा, ये चील एक पड़ी है, मैंने अपने लिए भी ली हुई है, लेकिन अब के प्राइस की क्या बताएंगे, अब क्या प्राइस है इनके? मेरे अपने घर में भी है, मैंने आपसे ली थी। ये 1500 रुपए के। 1500 की एक? जी जी। अच्छा, इसके अलावा? अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? मतलब 350 वाला भी होता है, 400 वाला भी है, 250 वाला भी है, सब मोस्टली सेम है इनके। सही सही, ये भी है। आपकी शॉप में तो आके दिल करता है कि बंदा हर चीज ले ले। ये भी है, फिर ये पैकिंग है। सही है, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा भाई, वो सामने जो घोड़े रखे हुए हैं,
वो किस चीज से बने हुए हैं और उसकी क्या प्राइस है? अच्छा ये पेरिस के हैं। और वो जो शेर वगैरह शेर भी है, शीशे के बने हुए हैं, इसकी क्या प्राइस है? 1500 का भी है। अच्छा। और इसमें बड़े साइज वाला जो है 8000 वाला भी है। अच्छा अच्छा सही। अच्छा ये बड़ी चील की क्या प्राइस है? इसके 1500 वाले भी हैं, 1200 वाले भी हैं। इसकी क्या प्राइस है? ये 1500 की है। अच्छा भाई, अक्सर चीजें जो है ना वो मार्बल की बनी हुई है जी। तो मार्बल क्या सस्ता है या पेड़ पे उगता है, क्या हिसाब किताब है इधर? इस तरह ना इधर टेक्सला के पहाड़ है अपने, मकीमी पत्थर है ना इधर का, रेट भी मुनासिब होता है इनका आम शहरों से। इधर मार्बल का ग्रेनाइट हो गया, मुख्तलिफ पत्थर है इधर, पर ये मशहूर है रेट के मुनासिब में भी। और पत्थर की बनी कब्रें भी होती हैं, फुहारे होते हैं पत्थर के लंगरी जैसा, पत्थर के सामान है। अच्छा पिंडी इस्लामाबाद में मार्बल का ही रेट है जो टेक्सला में? नहीं, फर्क होता है इधर, फर्क है जी जी, इधर सस्ता मिलते है उधर महंगा है। अच्छा एक ग्राहक हमें नजर आए, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या रिव्यूज हैं। अच्छा भाई आप बताएं, आप क्या चीज लेने आए हैं और आप इधर ही क्यों आए, इस शॉप पर ही क्यों आए? पिंडी से मैं आया हूँ यहाँ से, ये वाली चीजें पत्थर वाली सामान लेने, मुझे बड़ा शौक है इन सारी चीजों का। मैं रावलपिंडी से इधर बाईपास से टेक्सला तक यहाँ से आया हूँ, तो बहुत सारी शॉप थी, 150 तकरीबन शॉप थी। तो उन सब में टेक्सला की सबसे बड़ी शॉप ये बाबू वकील वाली शॉप है, और यहाँ पर मैं पहले भी आता रहा हूँ, बहुत मुनासिब रेट है इनका भाई का। इधर आके आप विजिट करें इनके, बहुत सारी चीजें एक ही शॉप में अवेलेबल है, ये ऐसी शॉप है। बाकी हाँ, ये आपने बात सही की है, हम बाकी शॉप्स में किए हैं, उन पे कंप्लीट सामान नहीं होता। अगर आप अगर एक जगह मार्बल अच्छी है तो एक जगह फ्रेम अच्छी है, लकड़ी का सामान है, हर किस्म का सामान है, पत्थर का सामान, हर किस्म का सामान। तो आप आए कहेंगे या विजिट करें, ये बहुत अच्छी जगह है।